हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो भाई, सबा का व्लॉग आ गया है, जिस पर मैंने पहले ही कहा था, मैंने बोला था ना, मैंने पता नहीं क्यों मैंने बोला था, याद आ रहा था ना, वो जो दीपिका वाला डायलॉग था ना, जब रूहान पैदा हुआ था, मैंने बोला था ना, तो मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने बोला था ना कि भाई जो है वो यही ज्ञानबाजी आएगी और वही ज्ञानबाजी होगी। मतलब कि जो उन्होंने किया है उस चीज़ को ये जस्टिफाई करेंगे, कभी भी अपने आप को गलत नहीं बोलेंगे कि हमने गलत किया है, या हमने अननेसेसरी चीज़ें दिखाई हैं, या हमने अननेसेसरी शॉपिंग दिखाई है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मे बी कुछ मिस भी हो सकते हैं, कुछ याद भी रह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। अच्छा जी, तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने गलती नहीं मानी अपनी। अगेन इन्होंने आके सिर्फ ज्ञानबाजी करी है, अपने आप को सही दिखाया है, और जो इनको सजेशंस दे रहे हैं उनको हेटर्स दिखाया है। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि मिले जुले रिएक्शन मिले। ओ बहन, थोड़ा सा अपना चश्मा ठीक कर। मेरे ख्याल में चश्मा ठीक नहीं कर, चश्मा पहनो और जाकर अपने उस कमेंट सेक्शन को पढ़ो। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 100% इस वाले ब्लॉग में जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स भी ना, जो इस दफा के अंधभक्त भी है ना, उनकी भी आंखें खुली हैं। उन्होंने भी एक ही चीज कही है कि आप बच्चों को सिर्फ मटेरियलिस्टिक बना रही हो, आप लोगों को जो है मटेरियलिस्टिक जो होता है ना, वो जो चीजों के पीछे भागने वाला वो बना रही हो, और आप बच्चों को डिस्ट्रॉय कर दिया है अपने किड्स को। यही कमेंट्स आपको, हर दूसरा कमेंट यही मिलने वाला है कि ये जो दिखा रही हो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा जनाब, क्या बोलते हैं कि आप लोग एक व्लॉग से जज कर लेते, क्यों भाई? ये पहला व्लॉग था आपकी जिंदगी का जो हमने आपको एक व्लॉग से जज कर लिया? नहीं किया, एक व्लॉग से जज नहीं किया। इतने टाइम से हम सब बोलते हैं, इतने टाइम से जो पॉडकास्टर्स हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, देखो भाई, मैं मानती हूँ, ठीक है, कुछ रिव्यूअर्स बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस करते हैं, आई नो, लेकिन ठीक है, वो उनका अपना स्टाइल है, मैं उसमें किसी का भी कुछ नहीं बोलती। गालम गलोच मुझे नहीं लगता कि एज अ रिव्यूअर भी आपको बनता है, या आप किसी की बॉडी शेमिंग करो, या किसी को भी कुछ भी आप बोलो, किसी भी जानवर से मिलाओ या कुछ भी करो, मुझे वाकई ये सीरियसली मेरा मुझे नहीं अच्छा लगता। अभी आज भी मुझे सितारा की वीडियो पे कमेंट आया हुआ कि आपको डर नहीं लगता कि आपको कोई भी स्ट्राइक दे सकता है? तो मैंने कहा यार, मैं स्ट्राइक के चक्कर में किसी के नाम नहीं बिगाड़ सकती, अगर उसने दी तो देखेंगे। ऑब्वियसली मैं उसके तड़ले ही करने वाली हूँ, मैं उस पर जाकर तवंगड़ियां तो नहीं मारूंगी, मैं उसको बोलूंगी कि भाई तड़ले इन द सेंस के, मैं उसको बोलूंगी कि आपको आपकी वीडियो का कौन सा क्लिप पसंद नहीं है आप मुझे बता दो, मैं वो रिमूव कर देती हूँ, लेकिन ये मेरा काम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एज अ रिव्यूअर आप अगर आप काम कर रहे हो जहाँ आप अच्छा बुरा दोनों बात कर रहे हो, तो कोई भी जो है वो आपको स्ट्राइक मारेगा। अगर मारी तो तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे किसी भी किस्म की स्ट्राइक नहीं है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे चैनल पर कभी कोई स्ट्राइक नहीं पड़ी है, कुछ भी नहीं है, मेरा चैनल बहुत स्मूथली चल रहा है। लेकिन अभी शायद छोटा चैनल है इसीलिए मुझे इतना ज्यादा स्मूथली चल रहा है, लेकिन बड़ा होगा तब की तब देखेंगे। अभी बेचारा अभी तो पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ भाई। सबसे मेन होता है 5,000 सब्सक्राइबर, सीरियसली वो आपके बहुत स्लो स्लो बढ़ते हैं रोज के 5 सब्सक्राइबर। अभी रिसेंट दिनों में ऐसे गए कि माइनस पे गया मेरे सब्सक्राइबर्स, पता नहीं कुछ एक दो वीडियोस मेरी बहुत अच्छी बनी थी, उसके बाद जो है वो माइनस पे चले गए। तो बहुत मुश्किल होती है, तो यार मैं किधर पहुंच जाती हूँ, मैं समझ ही नहीं पड़ती, मैं रिव्यू करते करते किधर इधर उधर निकल जाती है। तो बहरहाल जो है वो इनका जो व्लॉग के अंदर बहुत सारी बयानबाजी हुई है, बहुत कुछ हुआ। मैंने इनको पहले ही, मैंने तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि इन्होंने आके इस चीज़ को आके जस्टिफाई करना कि हमने जो किया हमारा मकसद अच्छा था, हमारा काम अच्छा था, हमने नेक नियति से किया। भाई यहाँ पे नेक नियति का सीन नहीं है, बात यह है कि आप बच्चों को अननेसेसरी चीज़ें दिला रही हो, अननेसेसरी शॉपिंग करवा रही हो अपने शॉपिंग, और वो बच्चे आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं सीरियसली, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि व्लॉग जो है वो इन्हीं की बेस पर चल रहा है, अगर तुमने चीज़ें नहीं दिलाई तो हम तुमको हमारा व्लॉग अपलोड नहीं करने देंगे। तो ये चीज़ से सबा डरी है और इसीलिए इसने इतनी महंगी वॉच दिलाई। अच्छा, इसने जो है वो सूटकेस का जिक्र किया कि मैंने सूटकेस इसलिए इसको दिला, बाकी जो वो मिनीसो से शॉपिंग करवाई उसका किया, वो जो इतने पाउचेस लेकर, मतलब इतनी, यार देखो अननेसेसरी चीजें, ठीक है ना, ये चीजें बहुत अननेसेसरी है। अब उसमें कहा कि आप अपने बच्चों को नहीं करते, हम करते हैं, हमने किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप अपने बच्चों को ना करें, या अपने बच्चों को जो है वो नहीं करके दें, या जो है अपने बच्चों पे आप नहीं लुटाएं पैसा। ऑब्वियसली हम कमाते किस लिए, हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए कमाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी हर नाजायज बात को पूरा कर लें, हम उनको सही गलत की तमीज़ ना दिखाएं। उस पर जस्टिफाई आके रेहान को ही जो वो दिखा रही है, शेड करवा रही है कि रेहान पहले बहुत डिमांड करता था, मतलब हम सब सही बोल रहे थे ना कि रेहान बहुत डिमांडिंग हो चुका है, तो डिमांडिंग बनाने वाला कौन था, ब्रांड्स कॉन्शियस करने वाला उसको कौन था, तुम ही थे ना भाई। देख लो, हम मैंने पहले भी कहा, हम बच्चों पर जितना भी ब्लेम डाल लें, जितना भी लोग ब्लेम कर लें, लोग बच्चों के साथ कह लें, लेकिन उनको बिगाड़ने वाले कौन है, उनको ब्रांड कॉन्शियस करने वाले कौन है, ये लोग ही तो है ना। और सबसे बड़ा सवाल उनके माँ बाप पे जाता है जब ये इस किस्म की आपने इसको यहाँ भेजा है पढ़ाई के मकसद पर, ठीक है, लोग काफी बोल रहे हैं ये नहीं वो नहीं, देखो यहाँ पर ये नहीं कि 55% आया रजा का, ये मकसद नहीं है कि कितने मार्क्स है क्या है, लेकिन जो मेन मोटिव था मुंबई आने का क्या था कि इनकी पढ़ाई अच्छी हो, इनकी तरबियत अच्छी हो। जब वही चीज खराब हो रही है तो माँ बाप कैसे एक्शन नहीं ले रहे, कैसे बेटी खाला दूसरों को तो बड़ा
पॉइंट आउट करती है कि मेहर को ये दिला दिया, इसने ये खा लिया, उसको वो खिला दिया, तुम उसको इतना दिला के दे रही हो, अब ना दिला के देना। तो अपनी बच्चे क्यों नहीं नजर आ रहे जो कि बिल्कुल अपने पॉइंट से हट चुके हैं, मतलब जिस पढ़ाई के लिए आए वो पढ़ाई तो है ही नहीं ना, बाकी हर फजूल चीज़ है, हर फजूल चीज़ है। रजा की हेल्थ के साथ खेल गए हैं, सब कुछ है। देखो हम सब यही पहले से बोल रहे थे ना कि भाई कंट्रोल करो, हमें जलन नहीं है यार, हमें किस चीज़ की जलन होगी, हम सिर्फ इस चीज़ को बता रहे थे। हम जब पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को तो यार हम बता दें कि देखो ये जो दिखा रहे हैं इसके कितने बेनिफिट्स कितने डिसबेनिफिट्स हैं इनकी जिंदगियों में, बहुत सारी चीजें हैं जो ये गलत दिखाते हैं और जिसके बाद उनको भी गलत भुगतना है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता है इन ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत फेक होती है, ये आपको बिल्कुल सच करके दिखा रहे हैं कि हमारी लाइफ में ये। मुझे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अगर एक नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं, ठीक है, हम सब नॉर्मल लाइफ में, जो मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो सब नॉर्मल लाइफ में, मैं खुद एक नॉर्मल लाइफ में जी रही हूँ, ठीक है, मैं इतने भयंकर किस्म के रिएक्शन नहीं दे सकती हूँ, मैं नॉर्मली रिएक्शन दे सकती हूँ, मैं प्यार कर सकती हूँ, मैं गुस्सा कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को कभी बहुत सारी शॉपिंग भी कराती हूँ और कभी नहीं करवाती चीज़ों को, कभी उनकी जरूरियात है सब पूरी करके देती हूँ और कभी उनको कंट्रोल भी करवाती हूँ। तो इसी तरीके से चीजें चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो दिखा रहे हैं हर दूसरे दिन शॉपिंग, हर दूसरे दिन शॉपिंग, मतलब इनके व्लॉग्स में कौन ऐसा बंदा होगा जो हर दूसरे दिन शॉपिंग करेगा, चाहे वो लाखों में क्यों ना कमा रहा हो। हम में से हम कोई हम जो काफी जो मेरे लोग सुन रहे होंगे उसमें भी कोई ऐसा नहीं होगा कि सारे गरीब फैमिली से ही होंगे, किसी के पास खाने को रोटी नहीं होगी। हम सब में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छी फैमिली से, जो शॉपिंग अफोर्ड कर सकते हैं, जो अननेसेसरी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करना इंसान के अपने हाथ में, सही है ना। आप कर तो सब कुछ सकते हो लेकिन ठीक है ना, आपको कंट्रोल करना है। अब हर दूसरे दिन कौन बंदा शॉपिंग कर रहा होगा, कोई भी नहीं करेगा, जबकि आपको इतने पीआर पैकेजेस, इतना कुछ आपको पता है, जब आपको पीआर पैकेजेस वगैरह आने शुरू होते हैं ना, आपकी जिंदगी आधी जरूरत तो पीआर पैकेजेस ही पूरे कर देते हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं रहती अननेसेसरी शॉपिंग की, इतनी सारी शॉपिंग की, और उस पर आकर इतना बचपना करना, देन क्रॉकरी आकर बताना, क्रॉकरी इतनी महंगी आई है फ्रेंड्स, आप जो है वो चम्मच नहीं ले जाइएगा, प्लीज क्रॉकरी तोड़िएगा नहीं, मतलब तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें पता है तुम्हारे फैंस तुम्हारे पीछे पागल हैं। वैसे मुझे नहीं लगता मुंबई में इसके पीछे कोई इतना पागल है, क्योंकि मैंने कभी भी मुंबई में लोगों को इतना पागल नहीं होते हुए देखा। हाँ जब वो किसी गांव वगैरह में गई है किसी छोटे, तो वहां पे लोगों ने उसको काफी अच्छा रिएक्शन दिया, काफी अच्छी मोहब्बत करी, क्योंकि देखो छोटे, मैंने यही कहना है छोटे, इवन इसको मौदा में भी इज्जत नहीं मिलती, लेकिन छोटे गांव वगैरह में ये होता है कि लोग होते हैं सेलिब्रिटीज के पीछे पागल, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है सेलिब्रिटी का नाम, क्योंकि मुंबई में तो आपको हर दूसरे दिन हर दूसरी जगह पर सेलिब्रिटी घूमता हुआ नजर आएगा, तो लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है, अभी इतनी सेलिब्रिटी के पीछे नहीं भागते। हाँ ठीक है जो बड़े हैं उनके पीछे क्रेज है, उनके बंगले के पीछे बाहर जो है नीचे जो है वो रश होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन जो छोटे सेलिब्रिटीज है ये जो आसपास यूट्यूबर्स घूमते रहते हैं इनको कोई नहीं पूछता। तो इसमें ये कहना कि जो ना वो जो लोग आएंगे आपको अगर रेस्टोरेंट में आपका सभा का रेस्टोरेंट समझ कर आते भी हैं कि चलो ठीक है हमें मीटअप मिल जाएगा, या कोई भी जो फैंस है वो अगर आते भी, तो आप उनको इस तरीके से बोलो चम्मच नहीं उठा के जाना। भाई चम्मच तो आपके घर में चोरियाँ होती हैं, आप दूसरों के मतलब ये ना कि भाई जो अपने घर में हो रहा है वो लोगों को लगता है कि सारे काम कर रहे हैं। तो अजीब ही किस्म की इनकी जो ना वो सोच मुझे दिखती जा रही है। भाई पहले नहीं थी, 4 साल पहले जब इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तब सब कुछ नहीं था। आप बोले आप हमें एक वीडियो से जज कर रहे हैं, एक वीडियो से जज नहीं कर रहे हैं हम आपको, हमने आपकी पूरी 4 साल की जर्नी देखी है, 4 साल में आपके बदलते हुए रूप देखे, आपके रंग देखे, आपकी हर चीज़ देखी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर आकर गलती एक्सेप्ट कर लेती, अगर कह लेती कि हाँ ठीक है अननेसेसरी शॉपिंग थी हमें नहीं करवानी चाहिए थे जो भी है, क्योंकि इतने कमेंट्स, मतलब सिर्फ आप सही हो बाकी हर देखने वाले का नजरिया गलत है, सब आपको गलत जज कर रहे हैं उस पर, फिर ऑब्वियसली जो है वो सनी साहब जो है वो कल तो परसों तक तो हेटर्स को जूता दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि हेटर्स ने जो है वो सही से इनको जूते दिखाए तो आके बोलते कुछ लोग हैं गाइस, कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी आप तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप लोग कंसर्न करते हैं तो इसलिए बोलते, तो जो कंसर्न करता है उसकी मानी भी जाती है। अगर आप ऑडियंस को फैमिली बोल रहे हो तो अगर कोई फैमिली सजेशंस देती है, पूरी आपकी फैमिली उठ के, यूट्यूब की पूरी फैमिली उठ के अगर आपको सजेशंस दे रही है तो यकीनन कहीं ना कहीं वो गलती पर आप हैं, आपको मानना चाहिए। आपने रजा की हेल्थ के साथ खेल लिया, उसके बोर्ड के एग्जाम्स खराब कर दिए, बच्चों का पूरा फ्यूचर आपने बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनके लिए पैसा कमाना मकसद है और पैसा उनको लग रहा है बहुत ईजी है इनके लिए ब्लॉगिंग के थ्रू ये सारी चीजों, क्योंकि इनके पास फेम है, इनके पास शक्ल है, इनकी जो है वो फेम इनको मिल चुका है, तो इनको लग रहा है कि शायद अब पढ़ाई, मैंने हमेशा कहा कि पढ़ाई शऊर देती, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि आपको पैसा कमाना है, पढ़ाई आपको बहुत कुछ शऊर देती है, आपको बहुत कुछ समझाती है, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू उनको होना जिन्होंने खुद कुछ स्ट्रगल किया हो। सभा ने स्ट्रगल नहीं किया, शुएब ने जितना भी किया हो सभा ने नहीं किया स्ट्रगल,
उसको जो है वो फेम पैसा बहुत इजीली मिल गया, बहुत इजीली मिल गया। ठीक है, उसने कुछ टाइम जो सरवाइव किया चीज़ों को जब तक दीपिका उनकी लाइफ में नहीं थी, जैसे ही दीपिका उनकी लाइफ में आई है इनकी चीज़ें बिल्कुल बदल गई, उनके पास फेम रातों रात उसको मिला है। उसने स्ट्रगल के नाम पर क्या देखा, यूट्यूब पर लोग कितनी स्ट्रगल्स करते हैं ये उन यूट्यूबर्स से पूछे जिन्होंने बगैर किसी फेम के स्टार्ट किया हो। आई नो स्ट्रगल, मैं भी कहती हूँ कि शायद मैंने भी इतनी स्ट्रगल नहीं की होगी जितनी जो है वो और लोग स्ट्रगल करते हुए मैं देख रही हूँ लोगों को। मतलब सालों साल से उनके चैनल चल रहे हैं, इवन उनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए, वो फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे, वो फिर भी काम पे काम कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मैंने बहुत सारे इवन ये तो ये एक मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ क्योंकि ठीक है ना हम जहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आप अपने आसपास जिंदगियों में देखो ना तो आपको स्ट्रगल करते हुए लाखों लोग नजर आएंगे जो इतनी कड़कती धूप, अभी जितनी गर्मी चल रही है चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, जितनी गर्मी चल रही है इतनी कड़कती धूप में लोग बाहर काम करते हुए चीज़ें करते हुए वो स्ट्रगल होती है। इन्होंने क्या स्ट्रगल देखी अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। एक जो है जाना माना फेस था इसके पास, उस वक्त सिमर का जो है वो क्रेज़ चढ़ा हुआ था, लोगों को सिमर जो है वो अच्छे से रटी हुई थी, लोग उस सिमर की ज़िंदगी देखना चाहते थे, लोग उस सिमर को देखना चाहते थे, लोगों ने फटाफट सब्सक्राइब किया, उसको रातों रात तरक्की मिली है। तो उसने स्ट्रगल के नाम पर कुछ भी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। तो ये रोना अभी रोना बंद कर दे, एडिटिंग को स्ट्रगल बोलती है, एडिटिंग स्ट्रगल नहीं होती और व्लॉगिंग तो कभी भी स्ट्रगल नहीं होती है। तो ये चीज़ है और ये चीज़ रहेगी हमेशा। मैं ये नहीं कह रही कि व्लॉगिंग के अंदर कोई काम नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो लोग बाहर जाकर धूपों में जाकर काम कर रहे होते हैं उसमें जो ये सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे हो उसके लिए आसान है। देखो टेंशन स्ट्रगलिंग हर चीज़ के अंदर होती है, लेकिन उसने वो स्ट्रगलिंग फेस नहीं करी जो दूसरे लोग देख कर आ रहे हैं जिनके पास कोई फेम नहीं है, कोई आसपास कोई नाम नहीं है, कोई नामवर चेहरा नहीं है। तो ये चीज़ फैक्ट है, तो फैक्ट ही रहेगा, तो इस चीज़ को हम नहीं बदल सकते। बाकी जो भी है उसको लग रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो में दिखे, जबकि वो जो मैमा को लेके गई दवाई लगवाने के लिए, देखो बच्ची आते ही बीमार, मतलब ये लोग इतना बाहर का फजूल कचरा खाते हैं, फजूल चीज़ें खाते हैं कि बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से रिजा के हेल्थ के साथ हुआ यार। देखो जब मैं तो ये सोचती हूँ कि देखो दीपिका और शुएब जो है अपनी गार्डियंस पे लेकर आए थे, तो अब वो क्यों नहीं देख रहे, क्यों नहीं कर रहे। उसने जंक फूड वगैरह खिलाकर, एक रिजा जब आई थी ना तब हेल्दी थी, ठीक है तब हेल्दी बच्चे होते हैं जो कि चलता है नॉर्मली है, लेकिन उसको ओवरवेट कर दिया गया, उसको अनहेल्दी चीज़ें खिला खिला के। अब वो देखो उसका कॉन्सेप्ट चेक करो, हम दिन में मैदा खा सकते हैं, दिन में मैदा तकलीफ नहीं देता, मतलब भाई दिन में आपके लिए मैदा जो है वो डाइट फूड बना हुआ होता है, मतलब क्या मतलब क्या इन सब चीज़ों का यार। ये सारी चीज़ों के लिए चीट डे होता है जो कि एक दिन होता है, हर दूसरे दिन या दिन में अगर कोई आप डाइट कर रहे हो, दिन में अगर आप मैदे की चीज़ खा लो, ये खा लो कि दिन में हम खा सकते हैं ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिन में क्या कैलोरीज नहीं बनती है, दिन में वो कैलोरीज वाला फूड नहीं होता, वो कैलोरीज काउंट नहीं हो रही थी दिन की, मतलब कुछ भी यार। थोड़ा इफेक्ट थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, मतलब दिमाग नहीं है या जान के इस तरीके से बच्चा बनता है, आई डोंट थिंक सो कि करते क्या है। और दीपिका और शिव भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, रिजा को हद से ज़्यादा ट्रोल मिल रहा है, हद से ज़्यादा, हर व्लॉग में रिजा ट्रोल हो रही है, हर व्लॉग में रिजा को हद से ज्यादा, मतलब उसका बिहेवियर चेंज हो जाना, उसकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाना, हर चीज उसकी जो है वो वाजे आ रही है। बोल रही है कि फ्रेंड्स आप जो बच्चों को दिखाते हो लड़ाइयां सबके घर में होती है, ये होता है, तो लड़ाई दिखा कौन रहा है। और उसी व्लॉग में जो है वो सनी ने भी इसको जलील कर दिया, सनी ने जलील पता किस तरीके से, क्या हम लड़ाइयां तो हमारी भी होती है लेकिन हमारे दौर में जो ना वो व्लॉग्स नहीं थे और हम व्लॉग्स में अपलोड नहीं करते। तो यही तो हम इतने टाइम से समझा रहे हैं कि लड़ाई हर घर में होती है, हर बहन भाइयों में होती है, सब में होती है, लेकिन व्लॉग में नहीं आते। जब आप व्लॉग में अपलोड करोगे, जब यही पार्ट अपलोड करोगे तो ऑब्वियसली यही पार्ट पर लोग ट्रोल करेंगे, इसी बात पर लोग कमेंट करेंगे। आपका कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करने का बोलते हो, आप लाइक करने का बोलते हो, शेयर करने का बोलते हो, आप सब बोलते ही हो ना, तो फिर ऑब्वियसली लोग कमेंट्स करेंगे क्योंकि आप वो लड़ाई दिखा रहे हो, आप उसके थंबनेल बना रहे हो, आप उसका टाइटल बना रहे हो, तो कैसे लोग कमेंट नहीं करेंगे। आप ही हाईलाइट कर रहे हो ना, जब हाईलाइट करो फिर लोग ट्रोल कर रहे हैं तो आपको रोना आ रहा है। अब जो वो रो रही थी, अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि उसका रोना जो है ना वो सीरियसली सिर्फ और सिर्फ नाजा खाला और सारा के जाने पर था, वो हजारों बार गई हैं, हजारों बार सालों साल बाद आई हैं, उसका रोना सिर्फ उनके उस पर था, जो सास ससुर के जाने पर नहीं रो रही थी, जो नहीं रो रही थी, क्या उसका रोना सिर्फ उसी पर था? नहीं, उसका रोना अगर आप देखो तो वो कमेंट्स रीड कर रही थी, तो भाई आप ही ने तो दिया है ना। अब जब आपको कमेंट्स पे इतना बैश मिला है, इतना ज्यादा आपको जो लोगों ने ट्रोल किया है, तो फिर रोना क्यों आ रहा है, इफेक्ट क्यों कर रही हो? बोलते हमने बच्चों को मना किया है, कमेंट्स नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, कैसे नहीं पढ़ेंगे, नजर में आते हैं भाई। आजकल तो वीडियो शुरू हो तो एक कोई भी मेन कमेंट जो है वो नीचे दिख रहा होता है, फिर आप कमेंट्स पढ़ो ना पढ़ो, नीचे कोई भी कमेंट शो
चोरा तो मतलब बच्चे क्या सिर्फ ब्लॉग पे फोकस किए हुए होते हैं, उनको नीचे के कमेंट्स कुछ नहीं दिख रहे होते, मतलब तो किस दुनिया में किसको बना रहे हो, खुद को बना रहे हो, खुद के जमीर को सेटिस्फाई करते हो, मतलब कर क्या रहे हो, कुछ तो बताओ ना, मतलब अपनी गलती किसी सूरत नहीं मानने, किसी सूरत जो है वो चीजें नहीं दिखानी। हम भी तो यही बोल रहे हैं ना कि बच्चों को ट्रोल क्यों करवा रहे हो, बच्चों को ट्रोल तुम लोग दिखा रहे हो ना, तुम लोग उसकी अच्छाई भी दिखा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने व्यूज लेने हैं, तुम्हें अपना क्लिक करवाना है, तो तुम उनकी लड़ाई दिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है उस लड़ाई पे जो है वो लोग देखेंगे, तुम उनकी मोहब्बत दिखा दो, ना डालो व्यूज, तो ब्लॉग तो तुम्हारे पूरे हाथ में ना, एडिटिंग करो ना तो तुम रो रही हो, एडिटिंग तो तुम कर रही हो, तो फिर तुम क्यों वो लड़ाई वाला पार्ट दिखा रही हो, तुम ना दिखाओ लड़ाई वाले पार्ट, तुम मोहब्बत वाले पार्ट दिखा दो कि देखो कितनी मोहब्बत से रह रहे हैं हम, जीरो फिल्टर है तो जीरो फिल्टर में मोहब्बत नहीं करते हो, मतलब हमारी मोहब्बत मिसाल है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता अपने मियाँ मिट्टू क्यों बन रहे, ऐसी कौन सी फैमिली है जिसको बार बार चिल्ला के बोलना पड़ता है कि हमारे अंदर बहुत प्यार है भाई, ये बॉन्ड और प्यार लोग देखते हैं। अच्छा मैं मिसाल दूँ, मेरी जो ना हम जो ना वो दो जेठानियां देवरानी है, ठीक है, इसके अलावा हमारे और कोई जेठानी देवरानी नहीं, हम दो ही हैं, हम दोनों की इतनी बॉन्ड है कि हमको बताना नहीं पड़ता लोगों को कि हमारी बॉन्ड है, लोग हमें देखकर बोलते हैं तुम दोनों सगी बहने हो, मतलब नहीं, लेकिन फिर हम जब अपना रिश्ता डिस्क्राइब करते हैं ना, हम एक बार अपने सैंडल की शॉप पर गए, वहां पर हम लोगों ने सैंडल वगैरह पसंद किया, अच्छा मैं जरा थोड़ी सी मजाक मस्तियों वाली, और वो हालांकि हम दोनों की एज में भी बहुत फर्क है, तेरा हमारी एज में 17-18 साल का फर्क है, हमारी शादियों में अच्छा खासा फर्क है, लेकिन उसके बाद में मैं उसे डील कर रही थी ना, मैं उसे कहती नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं से, हम दोनों मजाक मस्तियों में जो है अपने सैंडल चूज कर रहे थे, हम दोनों ने एक जैसे सैंडल लिए, तो शॉप वाला जो है वो हमें बोलता है आप दोनों बहन है, तो हमने कहा नहीं हम देवरानी जटानी, उसने हमें पलट के ऐसे देखा है ना कि यार ये बॉन्ड, तो हमें जो है वो दुनिया को बताना नहीं पड़ता कि हमारा बॉन्ड इतना है, हमारा बॉन्ड, वो बॉन्ड आपको दुनिया खुद देखती है, वो शॉप वाला हमें नहीं जानता था, हमें सीरियसली हमारे जो हस्बैंड जब वो भी हमें यही बोलते कि तुम दोनों बहने लगती हो, यानी हमारी सगी बहनें हमारी एक दूसरे की नहीं लगती, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की बहन है, क्योंकि वो बॉन्ड है हमारा जो दिखता है, हमें लोगों को बताना नहीं पड़ता कि हम बहनों की तरह रहते हैं, हम बहने हैं, हमारे दरमियान बहुत मोहब्बत है, हमारे बच्चों के दरमियान बहुत मोहब्बत है, हमारी चीज़ों को नहीं, ये बॉन्ड दिखाना पड़ता नहीं है, वो बॉन्ड आपका दिख जाता है, आपको बताना नहीं पड़ रहा होता एक एक बंदे को जाके कि हमारा बॉन्ड है, हमारा बॉन्ड है, तो यही चीज़ जो है हमारी फैमिली में बहुत प्यार है, वो प्यार हमें दिख रहा है कि दीपिका नहीं है, तो आप उसके घर में जाके जो है वो बैठे हो और जाके बोलो रुहान होता है, तो जो ना वो रुहान होता है तो तब आप यहाँ कहाँ भटकते हो, मेहमानों की तरह तो तुम लोग रुहान को ट्रीट करते हो, मतलब अपने ही भतीजे को इतना मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, मेरे भी भाई का बेटा हुआ है, सेम भाई का बेटा है, जितनी एज का रुहान है उससे 1-1.5 साल बड़े जो ना मेरे, मेरी बेटी और मेरे भाई का बेटा दोनों साथ जो ना वो 1 महीने का फर्क है दोनों में, तो वो बड़े हुए, तो भाई भतीजे का तो एक अलग ही होता है, मतलब कि एक अलग मेहमानों की तरह तो हम ट्रीट नहीं करते, हमारे लिए वो बच्चा है, हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर है, तो फिर मेहमानों की तरह तो ट्रीट नहीं कि हाँ मेरा बच्चा आया, हालांकि हमारे घर भी बहुत दूर दूर है, मेरी मेरी अम्मी का घर बहुत दूर है, बट लेकिन अगर वो आता है तो हम उसको ऐसा मेहमान की तरह तो ट्रीट नहीं कर रहे होते जिस तरीके से ये लोग कर रहे होते, आज दीपिका और शुएब नहीं है तो उनके घर में जाके हल्ला बोला हुआ है, इनके घर में जाते हो जब दीपिका और शुएब होते तब तो तुम लोग वहां भटकते भी नहीं हो, तब तो सब आके जो है वो व्लॉग में आपको कितने कितने दिन तक जो है वो रूहान की, दीपिका की, किसी की भी, क्योंकि उसने, सबा ने बड़ी चालाकी से दीपिका और शुएब को हटाया है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उनके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा करेगी तो वो लोग उसके अगेंस्ट चले आएंगे, तो इसलिए उसने उनको पहले पूरा हटाया, पूरा रिमूव आउट किया अपने व्लॉग से, उनके व्लॉग सिर्फ सबा के चेहरे पर चलने शुरू हुए, फिर उसने शेड करना शुरू किया, बड़ी चालाकी से किया उसने वो सारा काम, लोगों को नहीं नजर आता इनके अंधभक्त, अभी भी पता है, अभी भी रिसेंट अभी मुझे इंस्टाग्राम पे इतनी एक लड़की आई थी, उसने मुझे इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी है सीरियसली, मुझे थ्रेड किया, मुझे बहुत कुछ कहा, तो मैंने कहा यार तुम कर क्यों रही हो, मुझे ये बताओ, मुझे वजह बताओ, तुमको उसकी तरफ से जो है वो पैसे मिल रहे हैं, अगर तुम उसकी पीआर टीम की हो तो आई थिंक सो तुम ठीक हो, ठीक है तुम्हारा वो काम है, तुम्हारा बनता है, बट लेकिन मैंने ऐसा किया कि यार रिव्यू कर रही हूँ, अगर रिव्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम हम तुमको कोर्ट ले जाए, भाई मैंने कहा कोर्ट कचहरी मतलब क्या हम बेवकूफ है, हमें नहीं पता कोर्ट कचहरी के क्या सीन होते क्या नहीं होते, हमें कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, कहाँ चीज, मैंने कहा किसी भी एक चीज पर, किस चीज पर कोर्ट लेके जाओगे, जो चीज का इन लोगों ने खुद अलाउ किया हुआ, यूट्यूब खुद अलाउ कर रहा है, मतलब किस चीज पे कोर्ट, मैंने ना गाली दी है कभी, ना मैंने अपनी तरफ से कभी कोई एलिगेशन लगाया, ना मैंने अपनी तरफ से कभी उनको डिफेम किया, ना मैंने कभी अपनी तरफ से जो है उस चीज पर रिएक्ट किया कि मुझे पता है, भाई ऐसी बहुत सारी, जब आप ऐसे होते हो ना सीरियसली, मुझे एक कांटेक्ट ऐसा भी हुआ था जहां बहुत कुछ मैं एज अ प्रूफ पेश कर सकती थी, बट मुझे ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा काम करो तो आपके पास बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं कि आपका चैनल अच्छा चल रहा है, आपकी चीजें हैं, आप जो है वो लोगों को जो है वो करो इनको एक्सपोज, इनको एक्सपोज करने वाले भी बहुत लोग हैं जो कांटेक्ट करते हैं,
और उनको जो है ये अंधभक्त दी, तो मैं यही बोल दूं कि भाई कोई फायदा नहीं। पता मैं हालांकि तो एक दो दिन, अगर बीच में अगर आप जाओ मेरी पिछली वीडियोस में, तो मैं एक दो दिन गायब हो गई थी यूट्यूब से, क्योंकि मैं इन सब पंगों में नहीं पड़ना चाहती। बहरहाल मैंने उस पंगे को सॉर्ट आउट किया, मैंने पूछा किया तो बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया नया है। मैं एज अ हाउस वाइफ इन सब पंगों में नहीं पड़ सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा करियर बनाना, मुझे इन सब पंचायतों में नहीं पड़ना, ये सब लड़ाई झगड़ों में। अभी ये सितारा यासीन का भी जो चल रहा है ना, मैं सितारा यासीन की वीडियोज पर कम ही रिव्यूज देती हूँ, क्योंकि सितारा यासीन में बहुत ज्यादा अजीब है भाई, उनके हेटर सपोर्टर्स की जंगे बहुत हैं, तो मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ सकती। लेकिन हाँ, मेरा जो काम है वो करूंगी, बाकी मैं किसी के पड्डे में नहीं देखती। मैंने इवन जो है वो पॉडकास्टर, मैं किसी पॉडकास्टर का नाम ले लेती, एक मैं कॉफी बी का और आज की चाय का, और मैं इनका नाम ले लेती हूँ, ठीक है यार, इनसे मेरा कोई पंगा नहीं है, मतलब मैं उनको ऐसा पंगे में नहीं ले रही होती। मैं जैसे उनकी पॉडकास्ट देखती हूँ, तो मैं उनके पॉडकास्ट का कभी कोई हवाला दे देती हूँ किसी चीज का, मैं देख रही होती हूँ तो मैं कह देती हूँ क्या मैंने इनकी वीडियो से देखा, तो वो चलता है यार। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनके व्लॉग्स का रिव्यू कर रही होती हूँ मैं, जो कि रिव्यू भाई दिख रहा है। अब इनके अनभक्तों को नहीं दिखता तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ भाई, आपको दिखना चाहिए। इस दफा तो खैर इनके व्लॉग्स में बहुत कुछ दिखा है। रजा रेहान को स्पॉइल करने वाली ये अकेली औरत है, किसी ने नहीं किया है। शोएब और दीपिका के हाथ में जब था, आपको याद होगा शोएब ने जब टैब दिला के दिया था तो कितनी ज्यादा पाबंदियों के साथ दिया था, मतलब शोएब ने हमेशा चीजों पर इनको कंट्रोल रख के चलाया है, उनको हमेशा, उनको कभी भी अननेसेसरी चीजें नहीं दिलाई है, कभी भी उनकी जो है ओवर ख्वाहिशात पूरी नहीं करी है, उनको हर चीज जरूरियात में लेके दी थी। लेकिन जब से इसके हाथ में है, तब से इसने अपने कंटेंट के चक्कर में जो है उन बच्चों को बिगाड़ के रख दिया, मतलब हर दूसरे दिन केक, हर दूसरे दिन इतना खाने का बिगाड़ा, जो कि बिगाड़ा ही है, ठीक है ना, वो चीजें सही नहीं बन रही थी। मुझे बताओ, डाइट पर चल रहे होते, अम्मी को मनाए, इसको शुगर मनाए, तो ये केक कौन खाता है, इतना केक क्या रिजा और जो है वो, सॉरी रेहान और जो है वो बेटी खाला और नाजा खाला खाएंगे, जबकि बेटी खाला में से भी किसी, नाजा खालों को भी आई थिंक वो है कुछ शुगर वगैरह का इशू है, तो कौन खाएगा, सबका सब जाया है ना, सबका सब जाया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना, तो मतलब ये सब कुछ वेस्ट करवा रही है सारी चीजें, और हर जगह बोलती है रिजा बच्ची है, ये है वो है, और जब क्रॉकरी वगैरह के लिए लेके जाना तो मैं रिजा को लेके जा रही हूँ ताकि रिजा को बहुत कुछ पता है। ओ भाई, ये सब मशवरे उनसे लिए जाते हैं जिन्होंने ये काम किया, और रिजा को क्या पता होगा कौन सी क्रॉकरी लेनी है, क्या लेना है, ये सब कुछ तुम होटल वालों से मशवरे लो, जिनका ये काम है तुम उनसे मशवरे लो, गाइडेंस लो, जो डिजाइनर्स होते हैं जो ये सारे काम करते हैं, जो ये सब कुछ आपको अवेलेबल करके देते हैं, उनसे मशवरा, रिजा से मशवरा ले रही हो तुम, मतलब कि कुछ भी यार, अपने कंटेंट के लिए तुम कुछ भी। अभी देखो अपने कंटेंट के लिए वो उसको मौदा भी ले गई है, जिसमें बताया कि सनी की जो है वो बहन है, उसके जो है वो ससुर की डेथ हो गई है, तो उनका हुआ है, उनकी डेथ हो गई है, तो ये न्यूज थी इनकी, तो ये उसके लिए मौत आ गए, तो उसमें भी देखो उसको लेके गई है मेहर को और रजा को अपने कंटेंट के लिए, मतलब भाई अपने कंटेंट के पीछे ही बिल्कुल ही खत्म हो चुकी, क्योंकि उसको पता है कि वहां पर उसके पास कोई कॉन्टेंट नहीं है, तो रजा और मेहर को दिखाएगी वो और कॉन्टेंट हासिल करेगी, जो भी जितने भी दिन उसको रहने होंगे वहां पर मौदा, तो जा रही है मौदा में, तो रजा को ले जाना बनता ही नहीं है, जो अपने दादा दादी की डेथ पे नहीं गए और तुम उनको किसी और की पे लेके जा रही, मतलब यार ये अपने रिश्तों के साथ ही सगे नहीं है ना, अब ये भी इन सबको नहीं दिखेगा, बोलेंगे पेपर्स है, ये पेपर्स में क्या उखाड़ लिया बता लो, क्या कर क्या लिया, पर तुम ये चीजें दिखाओ कि ये, अगर तुम्हें इतना ही जीरो फिल्टर बनना है ना, तो तुम इसका रिपोर्ट कार्ड लेकर आती, तुम दिखाती कि देख लो ये सारी चीजें होती हैं जब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना दो, जब तुमने उसको इतना इतना तुमने जो है वो उसको ट्रोल करवा लिया, इतना ट्रोल करवा लिया है जो कि इफेक्ट पड़ रहा है, लोग अब तुम्हारे आकर जो मतलब कि जो स्कूल्स के जो जिसकी वो पढ़ी थी भतीजी पढ़ी थी जिसने आकर पोस्ट की थी, तो मतलब के लोग अब खुल रहे हैं, लोग अब उनके जो है वो एटीट्यूड बता रहे हैं कि ये इतना ज्यादा भयंकर किस्म का एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, एटीट्यूड लेवल जो है इनका अजीब होता जा रहा है, खास करके रेहान के तो एक अलग ही किस्म का मुझे जो है वो दिखता है, इनका जो हीरोगिरी वो दिखती है, तो ये सारी चीजें दिख रही है इनकी, तो यही सारी चीजें जो चल रही हैं इनके व्लॉग्स में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और बेटी खाला को काफी एक्सपोज किया गया है, तो हम उसके लिए एक नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाएंगे। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत टुकड़ों टुकड़ों में पॉडकास्ट बनी, बट मैंने कहा नहीं यार मेरा चैनल है, मुझे अपलोड दिन की एक तो एक करनी है, क्योंकि मेरे चैनल की जो है वो पूरी की पूरी चल रही होती है, तो जो खराब हो जाएगी बेकार है, मैं उसको खराब नहीं कर सकती, तो इसीलिए जो है मेरा अपना मकसद है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, नहीं मेरा चैनल है, मुझे पता है कि रोज़ की एक वीडियो भी अपलोड होनी चाहिए, वरना चैनल का एल्गोरिदम पे बहुत फर्क पड़ता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत फर्क पड़ता है, तो होप सो यू लाइक इट, तो पॉइंट अपना जो है वो जो भी हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो भी ओपिनियन हो आपका, होप सो यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिसनिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।